आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आज रामपुर पहुंचे। कोसी के पुल पर आम आदमी पार्टी के नेता फैसफा लाला ने अपने समर्थकों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा, नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसलिए मैं आज रामपुर आया हूं और रामपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करूंगा। संजय सिंह ने यूपी सरकार पर चुटकी ली, कहा कुशीनगर में सरकारी स्कूल में 52 पेटी शराब पकड़ी जा रही है, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिर जा रही है। वहीं गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। संजय सिंह ने कहा, हिमाचल में भी हमने लगभग सभी सीटों पर चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं संजय सिंह ने कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए कहा, धीरे धीरे अपने आप खत्म हो रही है, कांग्रेस को खत्म करने के लिए किसी बाहरी आदमी की जरूरत नहीं। क्या विशेष वजह है क्या रामपुर आने का? अभी उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पे निकाय के चुनाव लड़ेगी और इसी के सिलसिले में आज रामपुर आया हूँ। अभी सभा है यहाँ पर, अब तक 6 प्रांतीय सम्मेलन हम लोग कर चुके हैं। एक मजबूत संगठन का निर्माण वार्ड स्तर पे, शहरों के स्तर पे और अच्छे प्रत्याशियों का चयन करके चुनाव लड़ाना, ये अभियान हम पूरे उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं। आज दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश ऐसे हालात में पहुंच चुका है जहां पर आज ही मैं समाचार पढ़ रहा था कि कुशीनगर में एक सरकारी स्कूल में 52 पेटी शराब पकड़ी जा रही है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बिल्डिंग गिर जा रही है, अलीगढ़ में बच्चे चोटिल हो जा रहे हैं, उनके पैर टूट जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पताल में बांदा में आईसीयू में चीटियां एक बच्चे को खा के मार दे रही हैं। थाने में ललितपुर के अंदर एक गैंग रेप की पीड़िता जाती है तो थानेदार खुद उससे बलात्कार करता है। तो ऐसी हालात में हम लोग जी रहे हैं जहां पर कि सबको जाति धर्म से ऊपर उठ के इंसान की ज़िंदगी में बदलाव कैसे आएगा, इसके लिए काम करना चाहिए। अभी दिल्ली का एग्जाम, लाखों बच्चे जानवरों की तरह गाड़ियों में भर भर के एग्ज़ाम देने के लिए गए। रामपुर का बच्चा बलिया में लग गया सेंटर, गाजीपुर का बच्चा रामपुर में लग गया सेंटर। तो इस प्रकार से 1,000 किलोमीटर दूर आपने बच्चों का सेंटर लगा दिया, नौजवानों को परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं आप लेखपाल बनने के योग्य हैं कि नहीं, पहले इसके लिए पीटी का एग्ज़ाम दीजिए। गुजरात के चुनाव में बहुत मजबूती से आम आदमी पार्टी लड़ रही है, हिमाचल में भी हमने लगभग सारी सीटों के चुनाव के प्रत्याशी ऐलान कर दिए हैं और दोनों राज्यों में मजबूती से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ठीक है, लोग उनकी दुकान केजरीवाल जी बंद कर रहे हैं, स्कूल अस्पताल के ऊपर राजनीति को ला रहे हैं। तो क्या भाजपा पर फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ता तो रोज मुकदमे क्यों हो रहे हैं? संजय भाई, एक मुद्दा देखिए, ये एक बेबुनियाद बात है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में बलात्कारियों को बचाने का काम कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। बिल्किस बानो का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ से उनको न्याय मिलेगा। कांग्रेस पदयात्रा भी चला रही है, कांग्रेस धीरे धीरे अपने आप खत्म हो रही है। कांग्रेस को खत्म करने के लिए किसी बाहरी आदमी की जरूरत नहीं है, कांग्रेस खुद ही खत्म हो रही है। छोड़ रहे हैं लोग, कहीं 8 विधायक टूट रहे हैं, कहीं 12 विधायक टूट रहे हैं, कहीं 56 विधायक टूट रहे हैं। 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को तोड़ तोड़ के सरकार बनाई है, 9 राज्यों में। तो कांग्रेस को वोट देने से बढ़िया है भाई, आप देख लीजिए, दोनों वोट बीजेपी के ही काम आता है। कांग्रेस को वोट दीजिए, काम आता है बीजेपी का। गोवा में 8 विधायक टूट के चले गए।